चलिए करते हैं आज की इस न्यू व्लॉग की शुरुआत। What's up beautiful people, की हाल चाल ना फिर दिवांशु अंदर की नमस्कार अमी वाला। फिलहाल दोस्तों अभी का सीन कुछ ऐसा है कि अभी इस वक्त हो रही है बाहर बारिश। चार दिन से दोस्तों कुछ इस तरह का मौसम देखने को मिल रहा है, नहीं कहीं आ सकते ना ही कहीं जा सकते। अब देखो कब रुकेगी बारिश, सुबह से गिर रही है और अभी तक जो है थमी नहीं है। वैसे तो मैंने प्लान किया है कि आज शाम का कहीं जाएंगे, लेकिन इस तरह का अगर वेदर रहा तो दोस्तों कैंसिल करना पड़ सकता है। इस वक्त मैं हूँ किचन में और ये रही मम्मी, और मम्मी इस वक्त बना रही है रोटी। और खास कर दोस्तों इस तरह के मौसम में गरम गरम कुछ चीज खाने को मिल जाए, यानी कि अभी देखो रोटी बन रहा है। साथ मम्मी क्या बना रहे हो? आलू की सब्जी बनाई है। आलू की सब्जी? तो आलू की सब्जी जो है मम्मी बनाई है, और साथ में मेरी फेवरेट जो है रहती है हमेशा स्पेशल ब्लैक टी। कुछ इस तरह मम्मी जो है रोटी को फुला रही है देखो तवा में। आज मम्मी सूखा रोटी, कल तेल वाली रोटी थी ना पराठा। रोज अलग अलग खाना चाहिए तभी मजा आता है। वो भी बात है। ये बन गई रोटी, अब ये रही मम्मी दूसरा रोटी जो है तवा में अभी डालेगी। तो दोस्तों ये रहा मेरा नाश्ता, और नाश्ते के साथ दोस्तों मैंने जो है टीवी चालू कर लिया है। टीवी में इस वक्त दे रहे हैं दबंग 2, आप लोगों को मैं दिखा था बैक कैमरे से। और साथ ही साथ दोस्तों अच्छे टाइम में जो है ना म्यूजिक चालू हो गया। ओहो मजेदार, कहीं दोस्तों कॉपीराइट ना आ जाए। A few moments later. दोस्तों अभी बज रहे हैं दोपहर के 3 इस वक्त, जैसे कि आप देख सकते हैं। मजे की बात तो ये है कि दोस्तों इस तरह के मौसम में समय का तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता, क्योंकि अभी जिस तरह का वेदर हो गया जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा। और साथ ही साथ दोस्तों देखते हैं शाम तक किस तरह का नजारा देखने को मिलता है। जैसा भी रहेगा आप लोगों को ब्लॉग के दौरान तो पता चल जाएगा, बस आप लोग मेरे साथ ब्लॉग पे बने रहना। ओके फिलहाल दोस्तों काफी दिनों के बाद जो है मैं कुछ इस तरह व्लॉग कर रहा हूँ अपने बरंडे में। ये रहा मेरा बरंडा, और ये रहा जो है ना सीढ़ी 3rd फ्लोर की तरफ जाता है, यहाँ पर भी कभी कभार मैं बैठ के व्लॉग कर लेता हूँ। और ये रहा हमारा 2nd फ्लोर, कुछ इस तरह दिखता है देखो, वहाँ पे जो है 3 लोग रहते हैं और यहाँ पे जो है 3 लोग रहते हैं। ऊपर से दोस्तों मजे की बात ये कि इस घर में भी अभी कोई नहीं है और इस घर में भी कोई नहीं है, जस्ट सीढ़ी के बाजू वाला। इस वजह से दोस्तों आप लोगों से जो है ना मैं एकदम खुलकर बात कर रहा हूँ, नहीं तो दोस्तों हमेशा जो है ना मेरी बोलती बंद रहती जब भी मैं यहाँ से व्लॉग करते हुए निकलता हूँ, या फिर दोस्तों यहाँ पे आके जब मैं व्लॉग करता हूँ दाएं बाएं जरूर देखता हूँ लोग तो नहीं देख रहे करके। इस वजह से थोड़ा सा तो रहता है, बट कोई बात नहीं, इतना आप लोगों के लिए चलता है। फिलहाल दोस्तों अभी मैं आप लोगों को अपना स्ट्रीट डॉग दिखाता हूँ, तो चलिए फिर चलते हैं। ये देखो अपना स्ट्रीट डॉग जिसका नाम है एडी। एडी फिलहाल दोस्तों ये कप आ रहा है, मैंने भी वॉच इट नहीं किया अभी, अभी जस्ट मैं देख रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों अभी जिस तरह का अभी वेदर हो गया ना थोड़ा बहुत तो इफेक्ट करेगा ही। फिलहाल तो दोस्तों इसको सोने देते, डिस्टर्ब नहीं करते। अपन जहाँ जहाँ जाएंगे ना दोस्तों हमारे पीछे पीछे आएगा, चाहे वो उड़को क्यों ना हो या सेक्टर 2 क्यों ना हो, कितनी भी दूर क्यों ना हो दोस्तों वो आएगा जरूर। हमारा जो है ना स्ट्रीट डॉग बहुत ही प्यारा डॉग है, हमारे साथ जो है ना खेलता है, यानी कि इधर उधर आसपास एरिया में भी कभी कभार अपन जो जाते ना मार्केट तो उसी दौरान हमारे पीछे पीछे भी आ जाता है, लेकिन बहुत ही प्यारा डॉग है। 1 hour later. तो दोस्तों अभी बज गए हैं शाम के 4:30 इस वक्त, और मैं जा रहा हूँ बाहर की तरफ, तो चलिए फिर चलते हैं। तो दोस्तों वापिस आ चुकी है अपनी हायाबुसा ऑन द रोड, तो चलिए फिर आगे का आप लोगों को मैं व्यू दिखाता हूँ। तो दोस्तों हल्की हल्की बारिश चालू हो चुकी है निकलती साथ, देख लो। और मेरे आसपास कुछ इस तरह का सीन है, जस्ट मेरे लेफ्ट साइड है ए मार्केट, और यहाँ से जो है अपन सीधा सीधा जाएंगे मेन रोड की तरफ। और इन भाई साहब को देखो, फिलहाल दोस्तों मैंने अपने सेफ्टी के लिए अम्ब्रेला रख लिया है, अब देखना ये कि अपन कितनी दूर तक जा पाते हैं। तो दोस्तों अपन पहुंच गए हैं मेन रोड साइड, और ये रहा टाटा नेक्सॉन। वाओ ब्यूटीफुल, पहले जल्दी से क्रॉस हो जाते रोड, वरना देख लो किस तरह का ट्रैफिक है। यहाँ से दोस्तों अपन राइट साइड टर्न हो जाएंगे, क्योंकि हमें जाना एकदम सीधा सीधा। और आप लोगों से बातें करते करते जो है ना धीरे धीरे बारिश भी तेज हो रही है। फिलहाल कोई बात नहीं दोस्तों, बस अपना जो है व्लॉग कंटिन्यू रहना चाहिए, चाहे दोस्तों धूप हो या बारिश, अपन जो है इसी तरह मेहनत करते रहेंगे और आप लोगों के लिए ढेर सारे जो है इसी तरह व्लॉग्स बनाते रहेंगे। फिलहाल दोस्तों कुछ इसी तरह का सीन है मेन रोड साइड, जैसे कि आप देख सकते हो सब लोग जो है जल्दी जल्दी में निकल रहे हैं अपने अपने कार की तरफ और अपने अपने घर की तरफ। ये रहा दोस्तों बस स्टैंड, देख लो कुछ इस तरह का सीन है। फिलहाल तो इसका यूज नहीं हो रहा है कोरोना काल टाइम से। बस दोस्तों मेरे दिमाग में एक ही एक चीज चल रहा है, और वो ये है कि दोस्तों बारिश में कहीं मेरा मोबाइल ना भींग जाए अभी, जिससे अभी मैं शूट कर रहा हूँ। बाकी मैं भींग जाऊंगा तो चलेगा, लेकिन मोबाइल को कुछ नहीं होना चाहिए दोस्तों, इसी में सब कुछ जो है ना डेटा है मेरा। और ये हम आ गए हैं आप लोगों से बातें करते करते ग्लोब चौक साइड, देख लो कुछ इस तरह का नजारा है ग्लोब चौक साइड। ओए एम्बुलेंस,
चलो चलो चलो, पे सब लोग जो है रेनकोट में है और हम सिर्फ जो है अम्ब्रेला लेके आए खाली। और ये रहा दोस्तों सेक्टर 10 का पेट्रोल पंप, देख लो बाहर से किस तरह का नजारा है। सब लोग जो है अपने बचाव के लिए पेट्रोल पंप के अंदर है क्योंकि बारिश जो है ना धीरे धीरे तेज हो रही है ना इस वजह से। और यहाँ पे देखो सड़कों पे भैया भुट्टा बेच रहे हैं। तो दोस्तों एट द पॉइंट मैं अम्ब्रेला निकाल दिया हूँ, अब बढ़ते आगे की तरफ। कल मास्क कहाँ है आपका? मास्क जेब में रखो। जेब में रखे हो? पहनो तो, पहनो पहनो अभी पहनो। अभी थर्ड लेयर आ गया है, पता है ना कोरोना का। अब बिना मास्क के घूम रहे हो, मैं बोला मास्क पहनो। मास्क पहनता। हाँ ओके, चलिए दोस्तों अब चलते हैं आगे की तरफ। तो दोस्तों अब लग रही थोड़ी सी मुश्किल व्लॉग करने में। तो दोस्तों मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे करूँ व्लॉग, और एक हाथ से चला रहा हूँ और एक हाथ से जो मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ तो नहीं हो पा रहा है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। और दोस्तों मेरा प्लान है कि मैं नेहरू नगर साइड जाके मैं व्लॉग करूँ। अब देखते हैं दोस्तों हो पाता है कि नहीं हो पाता, जैसा भी रहेगा आप लोगों को व्लॉग के दौरान तो पता चल जाएगा। तो चलो फिर बढ़ते आगे की तरफ। ओ भाई देख रहे हो दोस्तों मेन रोड साइड का नजारा एकदम खतरनाक है। और दोस्तों ये जरा कार का कलर तो देखो, इतना प्यारा है ऑरेंज कलर, देख रहे हो एकदम ब्यूटीफुल। चल दोस्तों बस अपन पहुंच जाए नेहरू नगर चौक साइड, फिर उसके बाद जो है वहां से अपना जो है व्लॉग कंटिन्यू रहेगा। अगर बाय द वे नहीं पहुंचे ना तो वहां से जो है वापस टर्न होके आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों बारिश में घूमने का मजा ही कुछ और है। अच्छा क्या दोस्तों मैं घर से छाता लेके आ गया, ऊपर से दोस्तों वेदर का तो कोई भरोसा है नहीं, देख रहे हो कितना तेज हो गया बारिश। घर से निकलते टाइम ठीक था, देख लो आधे रास्ते में कितना तेज हो गया। सो फाइनली दोस्तों अपन पहुंच गए हैं सेक्टर 9 चौक साइड, देख लो किस तरह का हाल है बारिश में चौक तरफ का। फिलहाल जल्दी से क्रॉस हो जाते हैं। यहां से दोस्तों अपन जो है सीधा सीधा निकलेंगे नेहरू नगर ब्रिज तरफ। देख लो दोस्तों कुछ इस तरह मैं आज व्लॉग कर रहा हूँ, एक हाथ में मेरा छाता है और एक हाथ में मेरा मोबाइल है। आज का व्लॉग कुछ इसी तरह होगा। फिलहाल दोस्तों अपन पहुंच गए नेहरू नगर ब्रिज साइड, जैसे कि आप सामने देख सकते हो वो देखो ब्रिज दिख रहा होगा आप लोगों को। अपन जो है ना दोस्तों यहाँ से राइट साइड मुड़ जाएंगे, फिर उसके बाद जो है ब्रिज पड़ेगा, फिर वहां से जो है अपन सीधा सीधा निकलेंगे। तो दोस्तों अपन पहुंच गए हैं नेहरू नगर ब्रिज साइड, तो चलिए फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब दोस्तों आ गया चढ़ाओ, अब थोड़ा सा जो है ना हालत बेंड होने वाला है। ये देखो ऑडी कार, वाओ ब्यूटीफुल। आधा तो पैंट मेरा भींगी गया और आधा जो है कार बाइक वाले भींगा देंगे एकदम स्पीड से जो है ना साइड से ले जाकर। ओए 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 ओए। तो दोस्तों यहां से जो है अपन आए थे, ये देखो नेवर से नेवर, बस चलते जाना है रुकना नहीं है। अब दोस्तों रिस्क ले लिए तो ले लिया, अब जल्दी से बढ़ते हैं आगे की तरफ। ओ भाई जल्दी निकलना पड़ेगा यहाँ से, ये तो अपन जो है ना पूरा भींग जाएंगे। तो दोस्तों अभी मैं रास्ते में रुक गया हूँ, देखो ब्रिज के बाहर का नजारा किस तरह का है, देख रहे हो आसपास। अपने को जो है ना दोस्तों इसी रोड से आगे निकलना है उतर के। चलिए दोस्तों बढ़ते आगे की तरफ। तो दोस्तों जस्ट मेरे पीछे है नेहरू नगर का गुरुद्वारा, कुछ इस तरह का नजारा है नेहरू नगर साइड। चलिए दोस्तों अब बढ़ते आगे की तरफ, यहाँ से जो है अपने घर साइड टर्न हो जाते हैं। ये देखो जोमेटो वाले भैया बारिश में भी डिलीवर कर रहे हैं। ओ भाई साहब देख रहे हो दोस्तों किस तरह का सीन है। और ऊपर से दोस्तों जरा रोड साइड तो देखो कितना पानी भरा हुआ है। ज्यादा तो व्लॉग नहीं हो पाया बट दोस्तों जितना हो पाया मैंने आप लोगों को दिखा दिया। बट दोस्तों कोशिश किया यहाँ तक पहुँचने का, पहुँच तो गए। देख रहे हो पानी कितना भरा हुआ है, ऊपर से दोस्तों मेरा पैंट भी भींग गया। और दोस्तों जैसे कि आप मेरे राइट साइड देख सकते हो ये है ग्रैंड डिलन होटल और ये हम फंस गए ट्रैफिक में। कितनी लंबी ट्रैफिक लगी है यार। ओ भाई साहब देखो कितनी बड़ी बड़ी ट्रक जा रही है। सो फाइनली दोस्तों मैं पहुंच गया हूं अपने सेक्टर साइड सेफली। दोस्तों मैं आखिरी में तो इतना ही कहूंगा कि व्लॉगिंग इज नॉट इजी फॉर एवरीवन। एक हाथ से साइकिल चलाना और एक हाथ से व्लॉग करना और उसी हाथ में जो है अम्ब्रेला पकड़ कर जो है सारा नजारा आप लोगों को दिखाना, ने घर से लेकर नेहरू नगर तक का जो भी मैं कैप्चर किया है। एंड दोस्तों प्लीज मुझे सपोर्ट करना, आप लोग जो है बस ऐसे ही देख के चले जाते हो मेरे व्लॉग को लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, तो जरूर याद से सब्सक्राइब करना। ओके आई होप कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो इसी के साथ आज की इस व्लॉग पे बस इतना ही। दिस इज देवांशु साइनिंग ऑफ, आप लोगों को मैं फिर मिलूंगा नेक्स्ट व्लॉग पे। सब्सक्राइब टू माय चैनल, तब तक के लिए जय हिंद। एक सेकंड, वंदे मातरम, अब सही है।